नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं नीतीश पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं कुशीनगर में, और कुशीनगर में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से विजय दुबे, जो उनके वर्तमान सांसद हैं, उन पर भरोसा जताया है। तो वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू सैथवार है। हालांकि इस बीच चर्चा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी उनके तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई, ये सिर्फ चर्चाओं में। अभी हम एक चाय की दुकान पे मौजूद हैं और यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार कुशीनगर में क्या माहौल चल रहा है, लोगों के मन में क्या है, लोग इस बार किन मुद्दों के साथ वोट कर रहे हैं, क्या लग रहा है कुशीनगर में इस बार फिर से कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी। देखिए, मोदी जी की गारंटी भाषण चल रहा है इस समय पूरे देश में, और जहां हमसे आप बात कर रहे हैं इसी से 100 मीटर दूर पर मोदी जी 2014 में आए थे और कहे थे पटौना चीनी मिल बंद है, उसको हम चालू कराएंगे। उनकी यही एक गारंटी, आप बताइए कि यही हम जहां कराने वाले हैं, और 10 साल गुजर गए, आज तक उस पर काम नहीं हुआ। नमस्कार। और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे आपको क्या लग रहा है इस बार कुशीनगर में क्या होने वाला है। कुशीनगर में इस बार परिवर्तन जनता मूड बना चुकी है और परिवर्तन करके रहेगी। जैसा बड़े भाई जी ने कहा कि एक गारंटी तो मोदी जी की यही फेल हो गई, 10 साल पूरे हो गए। पटौना चीनी मिल उन्होंने 100 दिन का जो कहा था, पहली गारंटी यही फेल है। बाकी आगे की तो जनता खुद समझदार है, उसका जवाब अपने वोट से देगी। तो मुझे नहीं लगता है कि कमल खिलेगा, परिवर्तन इस बार होगा जरूर। चलिए, यहाँ की जनता कह रही है परिवर्तन होगा, आपको क्या लग रहा है इस बार कुशीनगर में परिवर्तन होगा या फिर कमल खिलेगा। जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो 4 लाख पार का नारा दिया है, उसमें एक सीट कुशीनगर की भी रहेगी। 399 रहेगा, 400 सीटें कुशीनगर की रहेगी, और मोदी की गारंटी ने कुशीनगर को बहुत कुछ दिया है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं शुगर फैक्ट्री नहीं चलाए। शुगर फैक्ट्री यहाँ पिपराइज में नई शुगर फैक्ट्री लगी, डाड़ा की शुगर फैक्ट्री चल रही है। यहाँ कुछ टेक्निकल गड़बड़ी थी, मामला कोर्ट में था, इसलिए कुछ परेशानी है। यहाँ मोदी जी की गारंटी ने बहुत कुछ दिया है। यहाँ सबसे बड़ी सौगात मिली है कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय, जो करीब 750 करोड़ रुपए की परियोजना है, जिसका शिलान्यास भी हो चुका है, उसका बजट भी पास हो चुका है, बहुत जल्द काम शुरू होने वाला है। एयरपोर्ट मिला, तमाम फ्लाई ओवर मिले यहाँ पे कुशीनगर में, मेडिकल कॉलेज मिला जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, बहुमंजिला मेडिकल कॉलेज बन के तैयार है। ये सब बहुत कुछ मिला है मोदी की गारंटी में। जो आप कह रहे हैं कुछ हुआ नहीं, कह रहे हैं एयरपोर्ट मिला, मेडिकल कॉलेज मिला, कृषि विश्वविद्यालय मिला। एयरपोर्ट का पैसा कौन दिया था? आप तो जानते हैं ना, सबसे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार ने 300 करोड़ रुपया अखिलेश जी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, तो उन्होंने जारी किया था। लेकिन नेताजी कहें कि एयरपोर्ट बना है, ठीक है, आज एयरपोर्ट के बाद कितनी वहां उड़ाने हो रही है, इसका जवाब कौन देगा? उड़ाने नहीं, उड़ाने बंद है। क्यों उड़ान नहीं हो रही? जैसे उड़ान हुई थी, अभी जो अवेलेबिलिटी की दिक्कत थी, अभी रसिया की कंपनी आ रही है, कुछ टेक्निकल गड़बड़ी हो गई थी, रसिया के इंजीनियर आए थे, काम हो रहा है, अभी जून के लास्ट से उड़ान शुरू हो जाएगा। अभी पेपर में भी आया था, अभी उसमें सभी काम पूरे हो गए हैं, उड़ान भी शुरू हो जाएगी। अभी कल अखबार में निकला था कि वो जेट एयरवेज की वो उड़ानें शुरू हो जाएंगी। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि आपको क्या लग रहा है इस बार कुशीनगर में क्या होगा। कुशीनगर में बहुत ज्यादा मार्जिन से कमल फिर से खिलेगा, और जैसा भाई जी ने बताया कि 400 सीट में एक सीट कुशीनगर है, उसी गारंटी से यहां भी 8 लाख पार का नारा दिया गया है। कुशीनगर के सांसद प्रत्याशी विजय दुबे भारी मत से जीत हासिल करेंगे, इसमें कोई कहीं दुविधा की बात नहीं है। लेकिन विपक्ष के जो लोग हैं वो तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने विकास नहीं किया, हालांकि ग्रामीण इलाकों में आमजन में भी नाराजगी है कई जगहों पर। देखिए, ये चुनाव जो है 2014, 2019 और 2024, ये चुनाव जो है छोटे मोटे क्षेत्र के मुद्दे को छोड़ के विकसित भारत संकल्प 2047 तक बनाने के लिए ये चुनाव लड़ा जा रहा है। आम जनमानस में यही है कि मोदी जी देश को विकसित भारत की तरफ ले जा रहे हैं, तो हम सबका सपोर्ट मोदी और कमल के फूल की तरफ है, इसलिए पूरी जनता देश से इस बार भी 400 पार का नारा उनको सिद्ध करेगी, और वो देश को आगे बढ़ाने में वो मदद कर रहे हैं, तो सभी लोग उनके साथ हैं। चलिए, आपको क्या लग रहा है इस बार कुशीनगर में परिवर्तन होगा या फिर? परिवर्तन नहीं होगा, विजय दुबे फिर दोबारा भारी मतों से जीतेंगे। जो राम को लाए हैं उनको फिर से ले आएंगे, अखिलेशों को भी ले आएंगे, सब लोग विजय दुबे के पक्ष में वोट करेंगे, सब जात भी विजय दुबे के पक्ष में वोट करेंगे। इस बार आप किन मुद्दों के साथ चुनाव में जा रहे हैं, वोट डालेंगे किस मुद्दे? वोट डाला जाएगा भाई, किन मुद्दों को सोच के ध्यान में रख के डालेंगे? विकास के मुद्दे को। विकास हुआ है कुशीनगर? जी, कुशीनगर विकास हुआ है, बहुत कुछ विकास हुआ है। यहाँ हमारे यहाँ मान लीजिए कृषि विद्यालय हुआ, मेडिकल कॉलेज हुआ, तमाम रोडे बनी, तमाम बाईपास से बहुत विकास हुआ है, बिहार से नेपाल से तमाम चीज जोड़ी गई है, रोड बहुत विकास हुआ है।
इस बार कमल का फूल खिलेगा विकास के मुद्दे पर। चलिए इस बार विकास के मुद्दे की भी बात कुशीनगर में हो रही है, हालांकि और भी लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लग रहा है इस बार वाकई परिवर्तन होगा कुशीनगर में या विजय दुबे फिर से? विजय दुबे जीतेंगे चुनाव और बीजेपी अच्छा काम कर रही है और बीजेपी ही जीतेगी। ये लोग तो कह रहे हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है। अपना अपना सोच अपना अपना राजनीति बताइए, कितने 2 करोड़ नौकरी देने का पूरे देश में नौजवानों से वादा किया गया था, क्या वो पूरा हो गया 2 करोड़ नौकरी का? कितने नौजवान बेरोजगार हैं, हर पेपर लीक हो रहा है, हर भर्तियों को रोक दिया गया है, अग्निवीर जैसी योजना ला करके नौजवानों के साथ धोखा हो रहा है, इससे हम कैसे सहमत हो सकते हैं? कह रहे नौजवानों के साथ धोखा हो रहा है, आप भी नौजवान है क्या कहें? जी एकदम धोखा हो रहा है। कहे थे मोदी जी ने कि 2 करोड़ नौकरी देने के लिए, लेकिन अभी तक मोदी जी खुद बता दें कि अभी तक कितने वैकेंसी टर्न किए हैं, कितने लोगों को नौकरी दिए हैं। और रही बात हम लोग के कुशीनगर लोकसभा की, तो इसके पहले जो सांसद थे वो किसी गांव में देखने भी नहीं गए, जो विधायक हुए 10 साल से वो भी दिखने नहीं गए। हमारा घर दमौतिया पड़ता है, वहाँ भाजपा को 85% वोट लोग देते हैं हमारे गांव के, लेकिन 15% तो दूसरे को मिलता है, लेकिन 15 सालों से आज तक बीजेपी के न सांसद न विधायक ने एक ईंट का भी काम नहीं किया है। गांव की सभी सड़कें एकदम टूटी पड़ी हैं। हमने विधायक जी के बाद पीएन पाठक विधायक का हमने 3 बार 4 बार जा रिक्वेस्ट किया, कम से कम हमारे गांव में एक पीच बनवा दीजिए, लेकिन उनके कान पर एक जू तक नहीं रहेगा। और कहे थे मोदी जी यहीं पे आए थे संगम मिश्रा कावास के ठीक सामने, बोले थे 100 दिन के अंदर मिल हम चलवा देंगे, यहाँ नहीं चल पा रहा है तो बगल में कहीं शिफ्ट करा दें। यहाँ के औने पौने दाम पे लोग गन्ना बेचते हैं सर, 230 240 250 गन्ना इतनी पूंजी लगा कर ले जाकर कलवार पे तोल देते हैं। बताइए किसान क्या करेंगे, या तो खेती करना छोड़ दें या तो मिल बैठाइए, तब ना हमारे गांव की सबसे स्थिति खराब है। बताइए जिस गांव में 85% बीजेपी वोट पा रही है, कम से कम सांसद या विधायक आकर उस गांव में कुछ न कुछ तो करना चाहिए, लेकिन 15 सालों से एक ईंट नहीं रखाया है। युवाओं में नाराजगी है, विकास का मुद्दा कह रहे हैं विकास ही नहीं हुआ, आप कह रहे हैं खूब विकास हुआ, ये भी हमारे गांव के पूछ लीजिए, घर के पास ही पता कर लीजिए। ओनली आदमी मोदी जी योगी जी को देख के वोट दे रहा है, इनकी बात सही है कि ये लोग नई गांव में आ रहे हैं, यानी इस बार का चुनाव कुशीनगर में योगी मोदी के चेहरे विजय दुबे के चेहरे पर नहीं, चेहरा देख के कोई वोट नहीं कर रहा है, मोदी जी योगी जी को देख के आदमी वोट कर रहा है। उन लोगों का कार्यकत बढ़िया है और बढ़िया चल रही है, बाकी ये लोग जो भी विधायक है ये लोग जल्दी गांव में नहीं आ रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, बाकी इनके नेतृत्व में हॉस्पिटल हो गया और सब काम हो गया, बढ़िया चल रहा है। और भी लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश, हॉस्पिटल बना है, एक बार अभी आप 10 बजे के बाद हॉस्पिटल में चले जाइए, जाकर देख लीजिए मरीजों की स्थिति क्या है, दलालों से भरा पड़ा है हॉस्पिटल, और जिसका कुछ भी बीमारी हो बस एक ही दवा लिखा जा रहा है और दलाल जर्द पलची लेकर बाहर। लेकिन यहाँ के जो सीएमओ है सुनने में आया था बीते दिनों एक सेंटर पे गए थे और खुद मुकदमा लिखाए थे, बहुत टाइम से आए हैं सर, 1 घंटा यहाँ पे रुकी, 10 बजे के बाद हॉस्पिटल पहुँच कर देख लीजिए। लेकिन यहाँ के सीएमओ तो एक्शन ले रहे हैं, बीते दिनों अखबारों में सब लिपा पोती होती है सर, सब लिपा पोती है, थोड़ा खाना पूर्ति हो जाती है, बात बवाल खत्म। बताइए सर एयरपोर्ट की बात करते हैं, एयरपोर्ट इतना जल्दी चालू करने की क्या जरूरत थी, जब नहीं उस उड़ान लायक थी तो उसको पूरा फाइनल करके चालू किया जाता था, थोड़ा सा कल बारिश आया ना जाकर देखिए एयरपोर्ट में पूरा पानी से भर गया, क्या मतलब थी एयरपोर्ट इतना जल्दी क्या थी चालू करने के लिए, कोई जरूरत थी कोई जरूरत नहीं थी, जब पूरा बन गया रहता पूरा सही हो गया तब चालू किया गया रहता। जी ये क्या 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 वो गलत मुद्दा बोल रहे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं, मुझे सब विकास हुआ है, पूरा रोड देखिए, सब हॉस्पिटल देखिए कितना बड़ा बन रहा है, सब चीज बन रहा है, शुगर फैक्ट्री मोदी जी आए थे बोले थे ये सब सब फैक्ट्रियों के यहाँ पर कांटा लगा है, मानिए इतना जाम है पडौरा में कि कोई जा नहीं सकता है, यहाँ पर मानिए वहाँ जाने में फैक्ट्री बनती तो 5-10 लीटर तेल लगता, यहाँ 1 लीटर तेल में लोग जाते हैं अपना गन्ना गिराते हैं, वहाँ कांटा खुला है, सब लोग आराम से गन्ना गिराते हैं अपना, इन्हीं के गांव में शुगर फैक्ट्री का कांटा लगा है, और इधर किसी गांव में घूम के देख लीजिए किसी का गन्ना बाकी नहीं है, और इन्हीं के गांव में शुगर फैक्ट्री राड़ा फैक्ट्री का कांटा लगा हुआ है, समय से गन्ना गिर रहा है, समय से पेमेंट हो रहा है, किसी से उनको कोई दिक्कत नहीं है। बताइए यही लोग कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा कहने से नहीं हो जाएगा सर, मान लीजिए हम यहाँ गन्ना दे दिए
गन्ना मिल गया हमको। अभी यहाँ गोरड़िया साइड चले जाएंगे तो कहाँ यहाँ पे लाएंगे तोड़ने, वहाँ तो कड़वाल पे लोग, कड़वाल पे लोग एकदम विवश हो गए। 400 रुपए कुंटल पर यही बसैया में गन्ना, प्राइवेट जो खरसारी उद्योग है 450 रुपया कुंटल सब गन्ना खरीद रहे हैं, कहीं गन्ना एक भी नहीं बाकी है। पूछ जाइए सब। और गांव का मुद्दा जो है ये प्रधानी का और वार्ड मेंबरी वाला है या लोकसभा से गांव के मुद्दे से नहीं, मतलब पोल नहीं गड़ा तो रोड नहीं मिला, बड़ा विकास देती है। पहले बिजली 2 घंटा मिलती थी, अब 24 घंटा कम से कम 22 घंटा 20 घंटा बिजली मिल रही है। बाईपास आ रहा है, चलिए आगे देखिए। बाईपास जो चुनाव है यह देश और राष्ट्र को मजबूत करने का चुनाव है। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अपने देश का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। यह डंका लगातार बजता रहे और भारत विश्व गुरु बने और 2047 तक विकसित भारत बने, इसके लिए सभी लोग तैयार हैं कमल का फूल का बटन दबाने के लिए। लोग कह रहे हैं इस बार विश्व गुरु बनाने की तैयारी है, विश्व गुरु बन रहा है, तभी तो अग्निवीर जैसे योजना में जो हमारी रीढ़ की हड्डी आर्मी की मानी जाती थी गोरखा रेजिमेंट, आज कहां भर्ती होने जा रही है, आज चीन में भर्ती होने जा रही है। सोनम वांगचुक नाम आपने सुना होगा, उनके ऊपर 3 इडियट पिक्चर बनी थी, बच्चों ने बहुत पसंद किया, उनकी आइडियोलॉजी को पसंद किया और भारतीय सेना के लिए उन्होंने जो अपना त्याग दिया है इस देश के लिए, जो सोलर सिस्टम से उनके लिए रहने के लिए टेंट बनाए, जो वाईफाई नहीं मिल पा रही थी नेटवर्क कनेक्शन अपने उसके लिए बनाए, वो धरने पे बैठी है और कोई यहाँ का सुन नहीं रहा है। और चाइना हमारी जमीन कब्जा कर रही है, इस मुद्दे पे कहीं कोई बात नहीं हो रही है, तो हम कैसे मानेंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे और भी लोगों से बात करेंगे। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है कुशीनगर में? कुछ तो होगा, कुछ नहीं होगा। जो यहाँ का जो प्रत्याशी जो है वो जो है भाजपा का भाई, भाजपा ठीक है लेकिन प्रत्याशी ठीक नहीं है, यहाँ प्रत्याशी ठीक नहीं है। तमाम लोगों से जब मैं बातचीत कर रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं कि इस बार यहाँ का प्रत्याशी ठीक नहीं है भाजपा का। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है विजय दुबे जी, वो लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं, या तो जब सदन चलता है तो दिल्ली सदन में दिखाई देते हैं लोग, नहीं तो लगातार क्षेत्र में रहते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर के रात में 12-1 बजे तक क्षेत्र में हर जगह रहते हैं, सभी समस्याओं से अवगत होते हैं, सबका निदान करते हैं। जिला मुख्यालय पर भी यहाँ पे वो अपना कार्यालय बनाए हुए, जनसंपर्क कार्यालय, यहाँ पर भी प्रत्येक सोमवार को बैठते हैं दिन में 11 बजे से 3 बजे तक प्रत्येक सोमवार को। और कुछ और भी लोग हैं उनसे भी जानेंगे, क्या लग रहा है आपको इस बार क्या होने वाला है कुशीनगर में? विजय दुबे अच्छे प्रत्याशी है, जमीनी नेता हैं, आज तक मैंने हम लोग बहुत वोट दिया, इसके पहले तो कोई नेता नहीं आया यहाँ पर, चाहे कृषि विभाग का योजना लाए, हर योजना हेलीकॉप्टर ट्रेन लेकर आने यहाँ व्यवस्था हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने कुल योजनाओं से लागू किया, भारतीय जनता पार्टी ने राशन कार्ड से लेकर के आयुष्मान गैस से लेकर के 5 लाख आयुष्मान कार्ड से लेकर के हर योजना लागू किया। हमने तो लाइन को बिजली को देखते हैं लोग, इसके पहले सरकारें जो आई जाती चली जाती जाती थी, इससे पहले तो सरकार ने यहाँ पर लाइन नहीं समय से मिलता था, हम लोग तो भाई 24 घंटा लाइन मिल रहा है, उसके बावजूद भी हम लोग नहीं जानते कब हमारा इन्वर्टर चार्ज नहीं होता है, कब नहीं होता, चार्ज बराबर रहता है, इसे सरकार आई जाई कोई आज हम लोग सरकार में व्यवस्था नहीं पाया। और भी लोग हैं, चाचा आपको योजनाओं का लाभ मिलता है यहाँ पे? हाँ मिलेला, पेंशन उन्शन तो मिलेला। हाँ अब दूसरा कुछ हम नहीं बोल पाए। बारी चुनाव में कुछ हुई या फिर से दोबारा कमल खिली? नहीं चुनाव में तो मैं सहयोग देवे कर जाई। हाँ चलिए कुछ और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। हाँ ये बताइए कि लोग कह रहे हैं विकास हो रहा है, आप भी कह रहे हैं विकास हो रहा है, लेकिन कुछ विपक्ष के लोग कह रहे हैं फैक्ट्री नहीं चल रही है, एयरपोर्ट पे उड़ान नहीं हो रही, आपको क्या लगता है? आपसे बताया गया कि ये चुनाव जो है विकसित भारत संकल्प को लेकर ये लड़ा जा रहा है और आम जनमानस में हमेशा वो कित संकल्पित है कि मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और भारत को अगली पायदान पे विश्व के साथ खड़ा करना है। हम 5वीं अर्थव्यवस्था है, कुछ ही दिनों में हम 3री अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, तो लोग इस ताकत को समझ रहे हैं कि विश्व में भारत की ताकत कितनी बड़ी है। यह सरकार गरीबों के लिए समर्पित है, सारी योजनाएं गरीबों के लिए बनी हुई हैं। 5 लाख सबसे पहले मोदी ने चिंता किया कि हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए सस्ता इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल से लेकर सरकारी हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड पे मिले। अब एक नई योजना आ रही है कि हर घर में जो भी बुजुर्ग है 70 वर्ष से ऊपर का उसके गारंटी इलाज जो है मोदी जी ले रहे हैं। लोग कैंसर से पीड़ित है, 5 लाख से लेकर और 8 लाख रुपया तक मिला है मुख्यमंत्री से और उनका इलाज हुआ है, आज 5ों लोग स्वस्थ हैं। और भी लोग हैं,
लोग कह रहे हैं कि सब चीज अच्छा है कुशीनगर में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा जो है कमल खिलेगा। मुझे तो नहीं लगता है कि सब कुछ अच्छा है। सब कुछ अच्छा था तो एक दिन विजय दुबे जी का एक स्टेटमेंट आ रहा था, कुछ उनके समर्थक थे या चाहे उनसे सवाल जवाब कर रहे थे कि चीनी मिल नहीं बनी और दो चार मुद्दे। मैं तो यही पूछना चाहता हूं कि अगर मेडिकल कॉलेज चालू हो गया है तो उसकी स्थिति बता दे, कितने ऑपरेशन हो रहे हैं, कितने केसेस यहां से क्यों रेफर हो जा रहे हैं। अगर सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ है तो यहां पे क्यों ऐसी चल रही है, ये बताइए। इसके पहले तो यहां कुछ नहीं था, इसके पहले तो कुछ नहीं था। साल भर पहले मेडिकल आया है सरकार में, अब बनेगा, सारा इस्टीमेट रहेगा तब न होगा। सरकार ने योजना चलाया, पहले सरकार नहीं जानते। एक और भी आरोप लग रहा है कि समय लगेगा जी, समय देखिए हर कार्य योजना के लिए समय लगता है, फिर फीता फीता आप काटेंगे, काम काम कोई और चालू करेगा और फीता आप काटेंगे। 60 साल कांग्रेस के सरकार में कोई बड़ा कामयाब बता दें, कोई भी विद्यालय बना। मोदी ने आज तक इतिहास ये तो रख दिया है, हर जिले में बड़े बड़े हॉस्पिटल दिए, इसके पहले क्यों ने कांग्रेस ने दिया, क्यों ने सपा ने दिया, क्यों ने भोजन दिया। 5 काम ये बता दे कांग्रेस के जमाने में, बड़ा काम 5 काम बता, आप बताइए 5 काम बता दे रहे हैं आपको। भारत की नवरत्न कंपनियां, यहाँ इस जनपद की समस्या, लोकसभा पैसे की बात मैं कर रहा हूँ, इस रोड पे जो ये आप पटरौना कैसे रोड पे, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का है, हमारे भाजपा ने बड़ा काम बताइए, बड़ा काम बताइए, बड़ा काम बताइए, काम ये फैक्ट्री बताइए, फैक्ट्री कांग्रेस ही फैक्ट्री यहाँ बंद करा दी, कांग्रेस नहीं बंद करा दी, फैक्ट्री बंद कर दी, अन्य सरकार 1980 तक बढ़िया चीनी का कटोरा 1 रुपए का करता था, यानी कांग्रेस ने बंद कराई। ये बड़ा काम 5 बता दीजिए, मैं इस कुशीनगर लोकसभा से पूछा, 5 बड़ा काम आप बता दीजिए, बड़ा काम आप बता दीजिए। सरकार 15 करोड़ गंडा बिका, इनके सरकार में पूरे पेमेंट कर दिया गया, पूरे पेमेंट कर मिल गया। मुलायम की सरकार में मैंने देखा कि 2-2 साल का पेमेंट हम लोग मिलता नहीं था, इस सरकार में हम लोग पेमेंट करने का मिल गया, इससे बस क्या हम बढ़िया होना चाहिए, क्या कोई खाना बना खिलाएगा, जवाब देना पड़ेगा आपको। जवाब दे रहे हैं, जहां आप डिबेट कर रहे हैं, ये जनपद कुशीनगर का मुख्यालय है और समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का दिया हुआ जनपद है कुशीनगर। उन्होंने जिला बनाया था 13 मई 1994 को, और जब जिला बना है तब से यहाँ विकास की रफ्तार शुरू हुआ है। अभी किसानों की समस्याओं पर चर्चा हो रही थी, कुशीनगर जनपद में सही है कि सबसे बढ़िया चलने वाली शुगर फैक्ट्री ढाणा है, उसको भी बिरला ग्रुप को ले आकर के माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने उसका शिलान्यास करा करके फैक्ट्री लिमिट समय में बनवा करके चालू कराए, तो आज उसका सब लोग नाम ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार रही है इस जिले को बहुत सौगात मिला, चितौनी बगहा रेल पोल, यूपी और बिहार को जोड़ने वाली परियोजना, बहुत बड़ी परियोजना थी चितौनी और बगहा रेल पोल, उसको नेताजी ने जब मुख्यमंत्री हुए तो उसको बनाने का काम किया था। पटरौना को जनपद, खड्डा को तहसील, कप्तानगंज को तहसील, तमाम काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया, ऐसे कोई बात नहीं है। किसानों के मुद्दे हो, नौजवानों के मुद्दे हो, बेरोजगारी के सवाल पर हमेशा उन्होंने डटकर काम किया। तो कह रहे हैं कि विकास हुआ ना, विकास हुआ है, ये बताइए विकास हुआ तो क्या हम लोग कहीं जाते थे लोग रोजगार करने लगे, रास्ते में कोई लेकर छीन लेता है, कोई बेटिया में सुरक्षित नहीं रहता है, इसके पहले तो सरकार थी। आजम खा में अबुला में इंटावा सपा के सरकार में उद्योग लगा था, लेकिन केवल एक ही उद्योग लगा था, अपहरण उद्योग। यहाँ के लोग अपहरण से बहुत परेशान रहते थे, कि यहाँ के व्यापारी यहाँ के गुंडे से परेशान रहते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वच्छ प्रशासन आज एक नंबर पे काम कर रहा है, सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। अच्छा एक सवाल और, अभी हम कई जगह जा रहे हैं, चर्चा ये है कि समाजवादी पार्टी के पास, इंडिया गठबंधन के पास कोई प्रत्याशी नहीं था स्थानीय, बाहर से प्रत्याशी लाया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? और बाहर की बात आप करेंगे तो माने, मैं नहीं कर रहा हूँ, जनता कर रही है, भाजपा के लोग कर रहे हैं, विपक्ष के लोग कर रहे हैं कि बाहरी उम्मीदवार लाए। हम पूछ रहे हैं कि जिस उत्तर प्रदेश से हम लोग आते हैं, यहाँ प्रधानमंत्री जी हमारे क्षेत्र से है, तो अभी हम कह सकते हैं गुजरात से है, ये विधायक हमारे थे देवरिया और कुशीनगर जनपद एक था, बाद में बंटवारा हुआ, हमारे पूर्व विधायक थे वो जन्मेजय सिंह जी, उन्हीं के लड़के हैं और निर्भीक और संघर्षशील उम्मीदवार हैं, उनके उनके प्रति एक निष्ठा है लोगों का कि नए आए हैं कुछ करेंगे। चलिए और भी लोग, आप युवा हैं, आइए आइए आइए, आपको क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? देखिए इस बार बदलाव होगा, ठीक है, जो भी है
हम तो यही कहना चाहेंगे 2014 में जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी थे वो कह रहे थे कि भाइयों बहनों महंगाई इतना है कि प्रधानमंत्री जी महंगाई का मां तक नहीं बोला, आज महंगाई नहीं है। कह रहे थे कि 4 जून को आप लोग वोट देने जाइएगा तो एक बार थोड़ा अपने घर में रखे गए सिलेंडर को नमस्कार करके जाइएगा। इस बार भी लोग 1 तारीख को जाएंगे और नमस्कार करके जाएंगे और महंगाई की बात होगी, महंगाई को देखते हुए वोट दिया जाएगा। रही बात नौकरी की तो बताइए, आर्मी में लड़के जा रहे हैं 4 साल के लिए और ये लोग ये कह रहे हैं कि हमको एक बार और मौका दे दिया जाए। तो युवा क्या सोच रहा है कुशीनगर का युवा? क्या होगा, पूरा भारत में प्रधानमंत्री दूसरा आने वाले हैं, आदरणीय देखिए देश में प्रधानमंत्री का बदलाव होने वाला है जो है कि राहुल गांधी आने वाले हैं। बदलाव होगा इस बार? एकदम होगा साहब। महाराज गजब काम है, पूरा देश कह रहा है कि चाइनीज सामान की और मोदी जी की जुबान की कोई गारंटी नहीं है, पूरी देश कह रहा है, पूरा जनता कह रहा है कि मोदी जी की जुबान की है। कुछ दिन पहले की बात है, सदन में कहे थे मोदी जी मैं खासकर सरकारी नौकरियों में आरक्षण नहीं चाहता हूँ। बताइए मोदी जी कुछ दिन पहले कहे थे मैं खासकर सरकारी नौकरियों में आरक्षण नहीं चाहता हूँ, क्यों आरक्षण नहीं चाहिए हम लोग को? जवाब देंगे। आज पूरा देश कह रहा है जैसे कि बदलाव कह रहा है, आज पूरा देश कह रहा है कि 400 पार और कुशीनगर की जनता कर रही है 8 लाख पार। यहाँ गठबंधन को कोई प्रत्याशी नहीं मिला, बाहर से आयातित कराना पड़ा प्रत्याशी को, कोई नेता तैयार नहीं हुआ क्योंकि यहाँ एक लहर चल रही है 8 लाख पार की प्रत्याशी को। पिछले बार यह चुनाव हम 3.5 लाख वोट से जीते थे, इस बार 5 लाख प्लस वोट से जीतेंगे। 5 लाख प्लस से जीत भैया ये 400 पार नहीं, जैसे अखंड भारत की निर्माण भाजपा कर रही है तो 400 पार की बात नहीं है, भाजपा 500 पार भी ला सकती है क्योंकि अखंड भारत की निर्माण कर रही है। यदि सीट घटेगा तो कुछ अफगानिस्तान से आ जाएगा, कुछ पाकिस्तान से आ जाएगा, कुछ बांग्लादेश से आ जाएगा, तो 400 पार नहीं, 140 पे भाजपा सिमटने जा रही है। और आपको मैं बता दूं गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, अब मोदी जी की जुबान की और चाइनीज सामान की कोई गारंटी नहीं है। सरकार यानी बिहार की सरकार जो है बना दी जा सीट, आप देखिए बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ, पहले में तेजस्वी थे, दूसरे में भी बराबर, तीसरे में, चौथे में इसी बादल से हारे, इसी से बिहार की सरकार भाजपा को बना दी, यहाँ के लोग, यहाँ की बात छोड़िए। आपको क्या लगता है अब चुनाव नजदीक आ गया, नामांकन शुरू हो गया, फाइनल बताइए क्या होने वाला है? यहाँ अभी देखिए यही कंफ्यूजन है, एक नेता जी कह रहे हैं कि यहाँ के 5 लाख और एक लोग कह रहे हैं 8 लाख, तो यही कंफ्यूजन है, इसलिए ये हार रहे हैं सीट, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विजयी होने जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विजयी होने। युवा से मैं एक बार दोबारा पूछूंगा कि आपको ये सब वहम है, एक पिछले साल का कुछ हवा हवाई अभी तक याद है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इंडिया गठबंधन इस बार यहाँ से विजयी होगी क्योंकि विजय दुबे ने यहाँ कुछ काम किया नहीं है, जो भी किया है पहले का हुआ है। और रही बात कब तक वोट मांगेंगे आप लोग मोदी और योगी जी के नाम पर, कभी तो विकास के नाम पर वोट मांग लीजिए, रोजगार के नाम पर वोट मांग लीजिए। बात हो रही है विकसित की, विकास के नाम, विकसित की बात हो रही है, भारत का विकासशील कट्टे घट गया, अब आप ही बताइए विकासशील हो गया था उसका टैग हट गया तो विकसित कहाँ से होगा, अब विकसित का पहले ही बात हो रहा है, अब हम लोग गिने चुने देशों में हम लोग की गिनती हो रही है। चलिए युवाओं में नाराजगी देखने को मिल रही है, युवा मतदाता ठीक ठाक है जिले में? नहीं नहीं, युवा पूरा भाजपा के साथ है, युवा भाजपा के साथ है, हो जा रहा है हर पेपर लीक हो जा रहा है, तो युवा कहाँ से साथ में रहेंगे? आपको 400 पार एक जुमला है, 400 पार अब की बार जुमला है, नहीं जाएगा 400 पार। क्या होगा 4 जून? परिवर्तन होगा। कौन आएगा? राहुल गांधी। आपको क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? कोई बदलाव नहीं होने वाला है, कोई बदलाव नहीं होने वाला है, आज भी और कल भी, इसके पहले भी युवा मोदी जी के साथ था, आज भी मोदी जी के साथ है। मोदी जी ने जो विकास किए हैं वो एक उल्लेखनीय है, दर्शनीय है, आज तक इतना विकास करने वाला कोई भी भारत में प्रधानमंत्री मौका नहीं दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ कुछ नेता लोग हैं जो व्यक्ति विशेष के हैं, आप ये बताइए कि आज विजय दुबे के हैं, क्या पता कल आरपीएन सिंह के थे, आरपीएन सिंह हटे तो विजय दुबे के हो गए, पूछिए उनसे कि क्या पता कि विजय दुबे हटे तो विजय दुबे के रहेंगे कि भाजपा के रहेंगे, पहले यही पूछेंगे ना, यही पूछ के बताइए ना। और मैं आपको बता दूं यही रविन्द्र नगर धूस है, मेरे बड़े भैया मार्केंडे भैया है यहीं पे, यही रविन्द्र नगर धूस है,
माननीय मोदी जी आए हुए थे, मोदी जी ने कहा भाइयों एवं बहनों सुना है सोनिया के लाडले यहाँ रहते हैं, बिस्लरी का पानी शाम का और भोजन एक साथ होता है, भाइयों एवं बहनों जिस दिन सरकार बनी 100 दिन में मिल चलवा दूंगा। मैं तो कह रहा हूँ कि शहजादे भी उन्हीं के गोद में हैं, मोदी जी के ही गोद में, पहले वो सोनिया जी के गोद में थे, अब मोदी जी के गोद में है, क्यों नहीं फैक्ट्री चली। बहुत सही, बहुत सही। पहला बात। दूसरी डिबेट, भूमि अधिग्रहण बिल कांग्रेस ने दिया, खाद्य सुरक्षा बिल कांग्रेस ने दिया, आप 10 सालों में माननीय मोदी जी की एक कोई योजना ऐसी बता दीजिए जिससे आम जनता को फायदा पहुंचा हो। केवल एक मिनट केवल एक राशन छोड़ के, फ्री का राशन छोड़ के, राशन फ्री का छोड़ के, आप छोटा सा मुद्दा उठाइए, अभी अभी आपके ब्रिटिश कोर्ट में ये लगा हुआ था कोविड सेल के वजह से हार्ट अटैक, और इतनी जल्दी जल्दी योजनाएं बनाई जा रही हैं, इतनी जल्दी जल्दी जनता को ठगा जा रहा है। एक योजना देखिए आपके सामने है, हॉस्पिटल इतना बड़ा बना है, और ये रोड देखिए, पूरा गांव बिजली देखिए, बिजली पूरा गांव एकदम मिल रही है, 24 घंटा बिजली मिल रही है। आजादी के बाद पहले भी इतना बिजली, सब विकास, इतना सब लोग विकास पर रोड दे रहे हैं। अगर की जनता जो है इस बार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और तमाम जो मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखकर वोट करने की बात कह रही है। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ नीतीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, कुशीनगर।